क्या हाल है? बढ़िया शिकी भाई, आप कैसे हो? सब बढ़िया, मस्ती, बस आराम हो रहा है अभी तो। ऐसा लग रहा हो कि अभी सोकर उठे आप। मैं बस पूरा दिन सो रहा हूँ आजकल और कुछ नहीं कर रहा, रिलैक्स। नो एंटरटेनमेंट? ना, नो एंटरटेनमेंट। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाल इतने बड़े हो गए। अच्छा, तो इसलिए रखा हुआ है। हाँ, तो नीचे ना गिरे इसके लिए मैं कंट्रोल करके रखा। अच्छा, कंट्रोल करके रखा हुआ है। मेरे का नया स्टाइल है, पर ये भी स्टाइल है। आई लव यू। इस गाने में तो नहीं है ना? जोश। हाँ, जोश है। हाँ, एब्सोल्युटली। आपके फैंस को हाय तो बोल दो आप। हाय गाइस। Hi guys, hope आप सब enjoy कर रहे हैं और खुश तो बहुत हो गए मुझे देख के आप सब। तो बस मस्ती सब। बस How is Aisha? How is Zora? How is your family, everyone? They are very good. Zora के साथ मेरी रोज wrestling होती है, वो तगड़ा कर रहा हूँ मैं physically. Then सारी games खेल चुका हूँ सर, cricket हो गया, basketball, skating. वो रोज कहता कोई नई गेम खेलो, नई गेम खेलो। मैं कहाँ से नई गेम आऊँ, मुझे बता यार कुछ। बच्चों के साथ और नई गेम क्या खेल सकते हैं तो बताओ प्लीज। प्लीज मैसेज में डालो कोई टिप्स दे दो शिकी भाई को कि क्या बल गेम खेल सकते हैं अपने बच्चों के। टेपो भी खेल लिया मैंने इसके साथ घर पे। अब गेम डमशरस तो खेलते थे जब मैचेस के बीच में जब बारिश होता था हम डमशरस खेलते थे। मैं अपने ऑडियंस को बता रहा हूँ अभी, लेजेंड ऑफ जोरो में शिकी भाई ने कैसे एक्टिंग किया था। बोलो क्या? तो ये मेरे को याद आ गया वहां पे ना जब खाना खा रहे थे। जब हम खाना खा रहे थे बिल्कुल क्यों तो नाम के तरफ आपने पॉइंट करके बोला कि अरे इसको नहीं पहचानते आप लोग, ये वही आदमी है वो लेजेंड। लेजेंड सर, तो सुने पता नहीं था कि मैं लेजेंड हूँ। तो मेरी परसेप्शन मेरे अपने लिए थी। लोग कितने हंसे उसके बाद। बट अभी वो एक हाँ अभी क्या, अभी और 15 दिन। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल। तो क्या प्लान है तेरे 15 दिन के? एज अ ट्रेनिंग में क्या कर रहा है? मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज, अभी मेरे पास तो इक्विपमेंट्स नहीं है यहाँ पर जिम का कोई। हाँ, तो मेरे पास बैंड वगैरह है? बैंड भी नहीं है मेरे पास, एक 3-2 kg के डंबल है और एक पुल अप बार है, तो उसका मैं बेस्ट यूज करता हूँ। और बाहर इधर थोड़ा सोसाइटी में रनिंग करता हूँ बस। अच्छा, सोसाइटी में अंदर जाने देते हैं हमारे वॉकिंग में, मतलब सोसाइटी में? हाँ, मतलब 4 बिल्डिंग का विसिनिटी है, उसके बाहर तो नहीं जा सकते। हाँ, उसके बाहर नहीं जा सकते, तो वहाँ पर रनिंग हो जाती होगी सर। बट वो भी कभी कभी निकलता हूँ मैं घर के बाहर, अगर कुछ एकदम ही जब थोड़ा बेटी को घुमाने लेके जाता हूँ। हाँ, उसे तो बाहर लेके जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, बिल्कुल। आपके ठीक है, तेरे डॉग ठीक है? बढ़िया से। इधर ही बैठी है अभी वो, मस्त उसका सोने का टाइम है, कभी भी सोती रहती है। हाँ, ओवर ईटिंग तो नहीं कराता ना? नहीं, उसका डाइट फूड है। डाइट फूड आओ वरना यार। अभी आपके जैसा फिट रखना है तो फिर यूजी भी आ गया नीचे। ओ यूजी द किंग ऑफ इंस्टाग्राम राइट नाउ। हाउ आर यू सर? मतलब यूजी ने ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम खरीदा हुआ है। हां, ये यूजी को इंस्टाग्राम ने स्पॉन्सर किया है, भी पूरा महीना अभी यूजी वो कर रहा है। तो पर ऑफ कोर्स यूजी गॉट अ ग्रेट क्वालिटी जो अपना क्रिकेट के बाद का जॉब सेट है किसी के साथ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
अच्छा तो शिकिब भाई, मैं सोच रहा था एक मैजिक ट्रिक कर लूं आपके साथ। हाँ ठीक है, आपको तो पता है मैं टीम के साथ करते रहता हूँ, बट मैं जितना भी बार दिखाया हूँ मैजिक, आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हो मेरे मैजिक ट्रिक्स में। बिल्कुल, मेरा फोर्टे तो पता है आपको, मैं कार्ड से ज्यादा करता हूँ ट्रिक्स। बट दिस टाइम आई एम गोना ट्राई वर्चुअल ट्रिक विद यू। ओके, आई एम गोना ट्राई एंड रीड योर माइंड। ओके, हां ओके, सो इट्स गोना बी 50-50। आई कांट अश्योर यू दैट इट्स गोना वर्क 100%, बट लेट मी गिव इट अ ट्राई। ओके, सो आई वांट यू टू गो अहेड एंड थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 100। 1 to 100, सोचना है मन में, बट वो नंबर साइड पे लिख रहा ताकि प्रूफ रहे कि आप झूठ नहीं बोले मन में। अच्छा, मैं अपनी डायरी पेन ले लो जरा लूंगा। तो थिंक ऑफ द नंबर बिटवीन 1 to 100 इन योर माइंड, डोंट शो इट टू मी, और साइड पे लिख के रख लो। ठीक है, पब्लिक को दिखा दूं तो आंखें बंद कर लो। नहीं नहीं नहीं, तो दिखाई दोगे ना पब्लिक को, बाद में दिखा दो, मैं गेस करने के बाद दिखा दो ऐसा नंबर। ठीक है, तो फिर मैं मुझे दो चांसेस चाहिए गेस करने को। ठीक है ठीक है, मेरे आंखों में सॉरी यार, आंखें छोटी हो रही है मेरी आज की। क्या आपका जर्सी नंबर तो आप नहीं लिखोगे 25, बट लेट मी गेस आपने लिखा होगा आपका लास्ट जर्सी नंबर था 48 लिखा है? नहीं नहीं, 48 नहीं, दो चांसेस, एक और चांसेस। हाँ, एक ओवर है, एक ओवर। अच्छा 48 नहीं है तो मैं उल्टा कर देता हूँ 48 का, चलो 84। आर यू सीरियस मैन? सही है। हाँ एक मिनट भाई, ये कैसे पर कैसे पर कैसे Oh shit. कैसे? लेकिन कैसे भी? पता नहीं यार, ये तुक्का का था, इसमें तुक्का था। सही में? तुक्का कैसे ठीक हो गया? ये 48 का मैंने ऐसे ही बोल दिया ना, उल्टा कर देता। क्रेजी मैन। ओए जोरा, अरे जोरा का है बाबा। ओह शिट। और कार्ड से, कार्ड से पर कार्ड से तो अभी मैं ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे में कैसे भी कर। अच्छा ठीक है, देखो क्या दिख रहा है। कार्ड नहीं दिख रहा मुझे। ये कार्ड्स शफल ले दो थोड़ा, कार्ड्स तो ओके डन। अभी कहीं पे भी स्टॉप बोलना। ओके स्टॉप, देख लो मैंने देखो कौन सा। ठीक है, देख लिया देख लिया। हाँ देख लिया। अभी कार्ड का जरूरत ही नहीं, मैं आपके आंखों में आके डाल के देखूंगा और बताऊंगा आपने कौन सा कार्ड देखा है। हाँ बताओ। या कौन सा कार्ड पे आपने स्टॉप बोला। ये मैंने आपके साथ पहले भी किया हुआ है तो आपको पता है। हाय जोरा। हाय। यू रिमेम्बर मी? या अच्छा तो मैं अभी गेस करके बताऊंगा कौन सा कार्ड आपने आपने देखा था। आई कैन सी दैट फायर इन योर आईज, तो रेड कलर का था कुछ, तो डायमंड्स, रेड कलर का डायमंड्स था। वो था, मैंने पूरा कार्ड बता अपने बताऊंगा कौन सा। क्वीन ऑफ बादाम, बादाम का क्वीन, डायमंड्स, बादाम, डायमंड्स। हाँ डायमंड्स, हाँ क्वीन ऑफ डायमंड्स, बिल्कुल बिल्कुल डायमंड्स ना, क्वीन ऑफ डायमंड्स, एब्सोल्युटली।
चलो ठीक है, मैजिक मैजिक वेरिंग तो बहुत हो गया। अभी मैं आपसे क्विक फायर रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, रैपिड फायर क्वेश्चंस, हियर इट गोज। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ओके।